दोस्तों अगर आप एक आर्मी है तो आपने BTS के फैंडम में सॉफ्ट स्टैंस और हार्ड स्टैंस का नाम तो पक्का ही सुना होगा। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सच में BTS अपने हार्ड स्टैंस के बारे में आखिर क्या सोचते हैं, या फिर जो लोग BTS के फैन फिक्शंस देखते हैं BTS उनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली एक काफी पहले इंटरव्यू रिलीज हुआ था जहां पर BTS से इस बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे और उन्होंने इनडायरेक्टली रिवील करा था कि उन्हें अपने हार्ड स्टैंस पसंद नहीं आते हैं। और दोस्तों काफी बार BTS ने भी इनडायरेक्टली ऐसे स्टैंस को रिप्लाई करे हैं और उन्हें बताया है कि ऐसी इमेजिनेशन BTS को पसंद नहीं है। तो दोस्तों अगर आप में से किसी को सॉफ्ट स्टैंड या फिर हार्ड स्टैंड का मतलब नहीं पता, तो दोस्तों सॉफ्ट स्टैंड्स वो होते हैं जो यूजुअली BTS की क्यूट और उनकी फनी साइड को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। यानी दोस्तों उनकी क्यूट वीडियोस देखना या फिर उनको एडमायर करना, ये सारी चीजें अक्सर सॉफ्ट स्टैंड्स करते हैं। हालांकि दोस्तों हार्ड स्टैंड्स उन्हें कहा जाता है जो अपनी इमेजिनेशन में BTS के साथ कोई ना कोई फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर उनके फैन फिक्शंस पढ़ते हैं, या फिर उनकी सेंसुअल साइड को ज्यादा फोकस में रखते हैं। तो दोस्तों BTS से जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि वो आर्मीज को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, और ऐसे में उनका मानना है कि BTS से काफी बेहतरीन लोग इस दुनिया में हैं जो उनकी आर्मी गर्ल्स को खुश रख सकते हैं और इंडिविजुअली प्यार कर सकते हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते कि फैंस उनसे इस तरह की कोई भी उम्मीद रखे, क्योंकि ये एक आर्मी और एक BTS के बीच में एक लिमिट को तोड़ने जैसा है। दोस्तों साथ ही साथ काफी बार देखा गया कि जब भी कोई हार्ड स्टैन BTS को इनडायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश करता है तो BTS काफी हद तक उसे इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों जैसे कि रिसेंटली ही वीवर्स पर एक आर्मी का यूजर नेम था योनतान्स मम्मी, यानी दोस्तों वो एक तरीके से योनतान को अपना बेबी और तेयोंग को अपना हस्बैंड बोलना चाहती थी। हालांकि दोस्तों तेयोंग ने उस आर्मी का रिप्लाई करते हुए उन्हें मदर बोला, यानी दोस्तों उन्होंने योनतान को अपने छोटे भाई रिफर करके उस आर्मी को अपनी मदर बना लिया, जबकि एक्चुअल में वो तेयोंग को बताना चाहती थी कि वो उनकी वाइफ बनना चाहती हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स से इंडिकेट होता है कि BTS के मेंबर्स नहीं चाहते कि आर्मीज उनके साथ ऐसा कोई भी रिलेशनशिप रखें या फिर रखने के बारे में सोचें भी। और दोस्तों एक फैन होने के नाते हमें भी ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आर्मीज और BTS की लाइफ काफी अलग है और ये रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना प्यारा ही रहे तो अच्छा है। तो दोस्तों जाने से पहले कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि BTS के हार्ड स्टैंड को लेकर आपकी क्या थिंकिंग है, और आप एक सॉफ्ट स्टैंड है या फिर एक हार्ड स्टैंड है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।